सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन है दैट कि अगर पोस्टपोन हो जाते हैं तो उस हिसाब से अभी तक कोई टाइमलाइन नहीं आई है, कोई न्यू डेट शीट नहीं आई है, तो कैसे प्रिपरेशन करें। देखो फॉर मी बेसिकली जो है, जैसे मैंने ऑलरेडी वीडियो में भी बताया है बहुत सारे वीडियो में कि आप अपनी यूजली जो है स्टडी करिएगा। अगर आपका जो है 7 से 8 घंटे का प्लान है, पहले भी प्लान था, सो उसी शेड्यूल को, उसी जो है प्रोसीजर को चलते रहिएगा। 8 से 9 घंटे, 7 से 8 घंटे आपको स्टडी करनी है, आदर एग्जाम कभी भी हो, ठीक है। आप कितना मोस्टली कितना पोस्टपोन होगा, 1 महीने 2 महीने 3 महीने, ठीक है, बट सिलेबस तो आपको वही रहने वाला है। अमेंडमेंट्स आएंगे, उनको चेक करते रहिएगा, आप जो है अपना जो सिलेबस है उसको रिवाइज करते रहिएगा, जो आपका नॉर्मल प्रोसीजर है। तो ऐसा कुछ पैनिक होने वाली बात नहीं है कि पोस्टपोन कब होगा, टाइमलाइन कब होगी। आप प्रिपेयर रहेगा कि यस, अगर कल एग्जाम होते हैं सो आई विल बी रेडी फॉर दैट। और इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी बोला हुआ है कि जब भी न्यू टाइमलाइन आती है तो 30 डेज प्रायर आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा, ठीक है। तो जब भी जो है टाइमलाइन आती है तो उसका मतलब 30 दिन पहले ही आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा कि अब आपके एग्जाम होने वाला है। सो पैनिक होने वाली बात नहीं है, जस्ट कीप फोकस ऑन स्टडी।